नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। बाराबंकी में बड़ा हादसा हुआ है, नदी में नहाते समय डूबे हैं 5 बच्चे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 2 बच्चों के नदी से निकाले गए शव, 3 अभी भी लापता हैं। डूबे वाले बच्चों में 2 सगे भाई, बाकी 3 भी रिश्तेदार हैं। स्थानीय ग्रामीण और मल्लाह नदी में लापता बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। टिकैत नगर इलाके के चिर्रा गांव की एक घटना है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनिरुद्ध शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, कब की यह घटना है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए अनुभव, बता चाहूंगा कि ये लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना बताई जा रही है। बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चिर्रा गांव पड़ता है, वहीं से सटे हुए घाघरा नदी के पास ये 5 बच्चे जो थे ये नहाने गए थे, जिनका नाम है नूर आलम, अहमद रजा, हमजा, शाफ अहमद और अमान। ये सभी जो थे आपस में रिश्तेदार थे, इसमें से 2 सगे भाई थे, बाकी 3 जो थे वो इनके रिश्तेदार थे। सब आज एक साथ नहाने गए थे, जिसमें इन पांचों जो बच्चे थे, 5 डूब गए। इसमें से शाफ अहमद और अमान जो है उनको उनका शव जो है निकाल लिया गया है। बाकी जो 3 हैं उनको अभी भी जो है वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, मल्ला है, उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर स्थानीय जो फोर्स है, स्थानीय प्रशासनिक जो लोग हैं, वो लोग मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि आला अफसरों ने जो है एसडीआरएफ की भी डिमांड करी, एसडीआरएफ भी मौके से निकल चुकी है, जो कि उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी और बाकी का आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।